17.3 प्राकृतवास में विविधता डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। अब तक हमने कानी मछली के प्राकृतवास के बारे में चर्चा की है, आइए अन्य जीवों के प्राकृतवास के बारे में चर्चा करें। क्रियाकलाप 2। आपने अपने आसपास किसी ऐसे पेड़ को देखा होगा जो उस क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे तेंदू, महुआ, आम, जामुन, बबूल, नीम, अशोक आदि। ऐसे किसी एक पेड़ का चयन करें और उसके बारे में निम्न जानकारी एकत्र करें। इस प्रजाति के पेड़ों को आपने कहाँ कहाँ देखा है? जंगल में, मैदान में, पहाड़ पर, नदी के किनारे, पानी से दूर या अन्य कहीं। जहाँ ये पेड़ उगते हैं और बड़े होते हैं उस स्थान की विशेषताएं लिखें, जैसे वहां के सामान्य तापमान, पानी, मिट्टी आदि के बारे में। इस पेड़ की आवश्यकताएं भी लिखें, जैसे परागण कैसे होता है, फल कौन खाता है और बीज कैसे फैलते हैं आदि। क्या अब आप इस पेड़ के प्राकृतवास को स्पष्ट कर पाएंगे? आप इस पेड़ का चित्र बनाएं। हमारे आसपास ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिन्हें हम दूसरे जीवों की तुलना में अधिक संख्या में देखते हैं? ऐसे कुछ पौधों और जंतुओं के उदाहरण लिखें। क्या आप जानते हैं हमारी आंतों में कई सूक्ष्म जीव रहते हैं जिनके कारण हमें भोजन पचाने में मदद मिलती है? इनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका प्राकृतवास हमारी आंतें हैं। यदि इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए तो ये जीवित नहीं रहते, वह हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव होता है।